वो शादी वैलिड है, शादी वैलिड है, बाकी उसके बाद रिपोर्टिंग अलग होती है। शादी वैलिड है, ध्यान रखना है, शादी कोई कैंसिल नहीं होती कभी। अगर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन से शादी हुई है तो शादी वैलिड है, बल वो गांधर्व विवाह और ये वो वैलिड नहीं होता। ये क्वेश्चन मैं इसलिए रेज करूँ क्योंकि हमारे सामने कई केसेस भी आ गए। शादी हमेशा अवॉइडेबल होगी, वो कभी भी डिनाई नहीं कर सकते उस शादी को कि हाँ भाई ये शादी, हम कहते थे ना पहले, मैं भी ऐसे ही बोलता था 18 जब लॉ नहीं की थी, 18 और 21 शादी अभी तेरी शादी वैलिड नहीं। बट अब वो राजस्थान के अंदर अभी भी 5 साल के बच्चे की शादी होती है और वो अवॉइड होती है, वैलिड होती है, मना नहीं कर सकते उसको। बट अगर लड़की, वो होते हैं फिजिकल रिलेशन, ये ध्यान रखना, फिजिकल रिलेशन अगर बच्ची अपनी मर्जी से नहीं या लड़की नहीं कर रही है तो वो ऑफेंस में है, शादी वैलिड है। शादी वैलिड है, शादी वैलिड है, शादी आप फोटो लेना था इधर ले लो फटाफट लो ऐसे लंबा ये बहुत तो अच्छी है यार, पता नहीं कैसे इसको बहुत सारे फोन में जाने बंदा मुझे मारती है। अच्छा ये उसके लिए टेक ये भैया इमीडिएट सही सर है आ जाओ ऐसे ले लो, कैमरे से ले लो, कैमरे से ले लो। चलो ऐसा आप आ जाओ, अरे ले तो लिया वीडियो, आप कितने लोगे फोटो बनानी है, रुको एक सेकंड जी। सर ये जो मीटिंग हुई है किस संदर्भ में हुई है? जो मीटिंग का जो पर्पस था, जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उन स्टेक होल्डर्स को इस नए अमेंड जो एक्ट, जे जे एक्ट में जो अमेंडमेंट हो उसके बारे में कुछ नई चीज़ें बताना, कौन कौन से स्टेक होल्डर्स का क्या क्या काम है उस चीज़ के बारे में बताना, और ऑफिसर और जो जो नए एक्ट हैं उनमें क्या क्या प्रोविज़न है, हमारे स्टेक होल्डर्स को क्या क्या प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, चाहे लाइन किस किस तरीके के चैलेंज फेस करते हैं, उसके साथ हम कॉपअप कैसे कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग जितने हमारे स्टेक होल्डर्स थे उनको यही बताना था कि हम कैसे किसी प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। सर जो बच्चे बाल मजदूरी करते हैं उनके लिए क्या कर रहे हैं आप? जो बच्चे बाल मजदूरी कर रहे हैं उनके लिए हमारे डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट कमेटी होता है और जो कंप्लेंट हमें आती है उसके बेसिस पर हम टाइम टू टाइम रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते हैं और बच्चों को रेस्क्यू करके उनके कंपनसेशन वगैरह करवाते हैं। कुछ माँ बाप अपने बच्चों से बाल मजदूरी करवाते हैं, उनके लिए क्या प्रावधान? उन माँ बाप के लिए हमारा ये रहता है कि बच्चों को पहले हम प्रोड्यूस करवाते हैं, प्रोड्यूस करवाने के बाद उन माँ बाप काउंसलिंग करवाते हैं प्रोडक्शन के बाद, और अगर माँ बाप फिर भी नहीं मानते तो बच्चों को हम केयर एंड प्रोटेक्शन मानते हो उनको सीसीएस में प्लेस करें, तो मदर फादर आदेश भी हम कार्रवाई करने के रिकमेंडेशन पुलिस को देते हैं। थैंक यू सर, आपने हमसे बात की।